Dear viewers, welcome you in EBE Forum, English and Business Education Forum with Dr. Waris Ali. तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू सीरीज का फोर्थ पार्ट और इसमें हम आंसर करने की कोशिश करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है, दैट इज व्हाट डज सक्सेस एंड फेलियर मीन्स टू यू. तो जो बाकी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उसी की तरह ये क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ा केयरफुली आंसर करना है. सम पीपल हैज लाइक से के दैट आई गॉट अ जॉब सो दैट इज सक्सेस. तो सक्सेस और फेलियर की हर एक की एक अपनी डेफिनेशन है, तो हमने इस क्वेश्चन को सोच समझ के आंसर करना है और आंसर इस तरीके से करें दैट इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवर द इंटरव्यूअर. तो से फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं somebody say, some people say that I got a job, so getting a good job is a success. ये इंटरव्यूअर के लिए लाइक एक कन्विंसिंग आंसर नहीं है, तो हमने कन्विंसिंग आंसर देना है. कन्विंसिंग आंसर ये होता है कि हम सक्सेस को डेली बेसिस पे डिटरमिन करें. कैसे? मसलन आप कहते हैं कि जी फॉर मी accomplishing a goal that I have established is a success for me. For me, success is to achieve the targets that I have set up. So in this way, आप लोगों की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जिस काम को जो टारगेट मैंने सेट किया उसको अचीव करना ही सक्सेस नहीं है, बल्कि ये भी सक्सेस है कि उन टारगेट्स को टाइम से पहले कंप्लीट कर लेना मेरे लिए सक्सेस है. ये इंटरव्यूअर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप कहें कि फॉर मी अकम्पलिशिंग हाई क्वालिटी वर्क बिफोर द डेडलाइन, अकम्पलिशिंग वर्क बिफोर द डेडलाइन, दैट इज अ सक्सेस फॉर मी. इसी तरह इसका हम वॉइस वर्सा भी कर सकते हैं कि आप फेलियर की आपके लिए क्या मीनिंग है. तो आप कह सकते हैं उसके लिए मैंने कहा कि नेगेटिव चीज़ों को आप इस तरीके से बताएं कि इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. तो आप कहें कि अच्छा फॉर मी फेलियर फॉर मी इज दैट इफ आई एम नॉट अकम्पलिशिंग माय गोल्स बिफोर द डेडलाइन, सो दैट इज अ फेलियर फॉर मी. अब अगर इस तरह का आंसर बड़ा ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है कि ये देखें कि ये कैसा आदमी है कि अगर टाइम से पहले चीज़ों को नहीं कर पाता या टाइम पे नहीं कर पाता तो दैट इट कंसीडर हिमसेल्फ लाइक ही कंसीडर इट एज अ फेलियर. तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है आपका. तो आपने इंटरव्यू में अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करना है. सो आप फेलियर की डेफिनेशन कर सकते हैं दैट नॉट अकम्पलिशिंग अ गोल दैट आई हैव एस्टैब्लिश्ड इज अ फेलियर फॉर मी. सिमिलरली आप कह सकते हैं नॉट अकम्पलिशिंग हाई क्वालिटी वर्क बिफोर द डेडलाइन इज अ फेलियर फॉर मी. सो अगेन कीप इन माइंड कि जब भी आप अपने टारगेट सेट अपनी सक्सेस और फेलियर को डिटरमिन करें तो उसमें आपने आंसर इस तरीके से उन चीज़ों को आंसर करें कि इट गिव्स अ पॉजिटिव मैसेज फॉर द इंटरव्यूअर. सो थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग EBE फॉरम यूट्यूब चैनल विद डॉक्टर वारिस अली. टेक केयर.